हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो अपडेट है, यूजीसी की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेज हैं उन सारे के लिए जो गाइडलाइंस यूजीसी ने दिया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने एक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे बेहतरीन अपडेट आते रहते हैं। जितने भी जॉब से रिलेटेड अपडेट होते हैं या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे अपडेट यहाँ पर मिल जाएंगे या फिर एजुकेशनल वीडियोज भी मिल जाएंगे। तो चलिए, ज्यादा हम टाइम यहां पे नहीं लेते हुए आपका सीधा और सीधा चलते हैं आज की वीडियो पे। तो चलिए, सबसे पहले हम जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 29 अप्रैल 2020 को जो है यहाँ पे पब्लिश किया गया है यूजीसी गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पीडीएफ खुल के आ चुका है, जिसमें लिखा हुआ कि यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन, ठीक है। तो चलिए इसमें डिटेल में देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो आप आगे सबसे पहले जो है आप इसको डिटेल में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी इसको पढ़ सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट इस वेबसाइट का आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट इसके वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मेन पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब यूजीसी की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया उसमें क्या दिया है कि द फॉलोइंग कैलेंडर इज सजेस्टेड फॉर द एकेडमिक सेशन 2019-20। अब इसमें क्या क्या है कि जो स्टार्ट आपका सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था वो 1 जनवरी 2020 से स्टार्ट हो चुका था। उसका सस्पेंशन ऑफ क्लासेज को जो सस्पेंड किया गया वो 16 मार्च 2020 से क्लासेज जो है बंद हो चुकी है कॉलेजेस में। उसके बाद अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं क्लास को ऑनलाइन मोड में, जो है आपको जितने भी तैयारी करनी है वो जो है 16 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक आपको कंप्लीट कर लेना है। चाहे आप ईमेल के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, या फिर मोबाइल ऐप से, या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने कोर्स को। अब बात करें कि फाइनलाइजेशन ऑफ डिजर्टेशन, ठीक है, यानी प्रोजेक्ट वर्क या फिर इंटर्नशिप रिपोर्ट, जितने भी ई लैब्स, जितने भी तरीके के जो है आपका कंप्लीशन ऑफ सिलेबस कराना है, वो 1/6/2020 से लेकर के 15/6/2020 तक आपके हो जाने चाहिए इनके अनुसार। उसके बाद करें कि समर वैकेशंस की अगर हम बात करें तो 16 जून 2020 से लेकर के 30 जून 2020 तक आपके समर वैकेशन आपको मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपके पास इफ सिचुएशन सो डिमांड, अगर आपको एक महीने का जो है समर वैकेशन करना है 30 डेज का, तो आप 1/6/2020 से लेकर 3/6/2020 तक आप समर वैकेशन रख सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन कब आपका कंडक्ट होगा। तो एग्जामिनेशन की बात करें, जो टर्मिनल सेमेस्टर की बात करें, ठीक है, तो उसका जो है 1/7/2020 से लेकर के 15 जुलाई 2020 तक आपके एग्जाम हो जाने चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो 16 जुलाई 2020 से लेकर के 31 जुलाई 2020 तक आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाने चाहिए। इवेल्युएशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब रिजल्ट की हम बात करते हैं, रिजल्ट में जो टर्मिनल सेमेस्टर या फिर ईयर की बात करें तो ये जो है आपका 31/7/2020 इसकी डेट दी गई कि 31 जुलाई 2020 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। इंटरमीडिएट सेमेस्टर की बात करें तो 14 अगस्त 2020 तक इसके रिजल्ट आ जाने चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं कि जो 2020-21 का जो सेशन होने वाला है उसमें किस तरह से जो है प्रोसेस चलेगा, उसकी क्या डेट दी गई है यूजीसी की तरफ से। तो सबसे पहले हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन जो है आपका 1 अगस्त 2020 से लेकर के 31 अगस्त 2020 तक चलेगा। उसके बाद जो है क्लासेज कब कंडक्ट किए जाएंगे, तो स्टूडेंट अगर आप पुराने स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले हैं, तो आपका 1 अगस्त 2020 से आपके क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे। जबकि फ्रेश बच यानी फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट आएंगे न्यू एडमिशन, उसका बोला गया कि सितंबर 2020 से इसके क्लासेज क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। अगर हम कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस की बातें करें तो 1 जनवरी 2021 से लेकर 25 जनवरी 2021 तक इसके एग्जाम हो जाएंगे। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज फॉर इवेंट सेमेस्टर की बात को 27 जनवरी 2021 इसकी डेट रखी गई है। डिस्प्रेजल ऑफ क्लासेज 25/5/2021, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो आपके एग्जाम होंगे वो हो जाएंगे आपका कि 26/5/2021 से लेकर 25/6/2021 तक आपके जो है एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। समर वैकेशन की छुट्टी आपको मिल जाएगी 1 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 तक आपके समर वैकेशन की छुट्टी मिलेगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 2 अगस्त 2021 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी जितने भी गाइडलाइंस है सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।